Now we are coming on to the relation between stress and strain. देखिए, व्हाट इज इलास्टिसिटी, ये भूले नहीं, मैं फिर बता देता हूँ. इलास्टिसिटी क्या था? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटीरियल रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज शेप व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड. डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, तो इसे बोलते हैं हम इलास्टिसिटी. तो इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि बॉडी अपने शेप को अटेन कर ले. तो एक वर्ड आएगा इलास्टिक लिमिट. व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? इट इज दैट लिमिट अप टू विच बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल शेप एंड साइज. इसके बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप या साइज को पूरी तरीके से अटेन नहीं करती, थोड़ा फर्क पड़ जाता है, तो हम उसे इलास्टिक लिमिट बोलते हैं. जहां तक बॉडी अपने साइज को अटेन कर ले, शेप को अटेन कर ले, ज्यों की त्यों हो जाए, वहां तक इलास्टिक लिमिट बोला जाता है. तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे हुक, रॉबर्ट हुक. ओके, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे किए मटेरियल्स पर, एंड ही केम टू अ कंक्लूजन दैट विद इन इलास्टिक लिमिट्स, इलास्टिक लिमिट यानी कि जब तक आपकी बॉडी अपने शेप को अटेन कर लेती है विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलास्टिसिटी. फंडामेंटल लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ऐसा बोला भी जाता है. तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, आप बोल देंगे हुक्स लॉ. तो सिंपल सी बात हमने बोली कि इलास्टिक लिमिट के भीतर हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस मैथमेटिकली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. अब कैसी स्ट्रेस है और कैसा स्ट्रेन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो बाद में बात आएगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. इसी को हम बोलते हैं हुक्स लॉ, एंड दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ. अब ये जानने के बाद कि रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था सिद्धांत, हम अगले वीडियो में इस रॉबर्ट हुक का प्रूफ देखेंगे, रॉबर्ट हुक के हुक्स लॉ का प्रूफ देखेंगे एक्चुअली.